नमस्कार, मैं चित्रांशु और आप देख रहे हैं न्यूज लॉन्ड्री इंटरव्यूज। मीडिया में जब भी चुनावी नतीजों पे चर्चा होती है, एक शब्द का जिक्र बार बार आता है, हिंदी हार्टलैंड। मसलन ऐसे प्रदेश जो हिंदी प्रमुख प्रदेश माने जाते हैं, खासकर कि यूपी बिहार, जहां से 100 से ज्यादा सांसद आते हैं। दोनों प्रदेश में काफी समानताएं हैं, दोनों पिछड़े राज्यों में गिने जाते हैं, आर्थिक सामाजिक इंडिकेटर्स में पीछे हैं। 90 के दशक से दोनों ही प्रदेश में मंडल कमीशन का भारी प्रभाव रहा है, इसलिए यूपी बिहार को अक्सर समान खांचे में रखकर देखा जाता है। पर अगर हम नजदीक से बिहार और यूपी का राजनीतिक इतिहास देखें तो अंतर जाहिर सा लगेगा। देश की पहली एंटी कांग्रेस वेव जेपी आंदोलन के रूप में बिहार से शुरू होती है। बिहार पहला प्रदेश था जहां जमींदारी प्रथा खत्म की गई, और कैसे 60-70 के दशक की समाजवाद की जड़ें आज भी बिहार की राजनीति में दिखती हैं। अगर आप भारत के राजनीतिक इतिहास में दिलचस्पी रखते हैं तो बिहार की राजनीति से जुड़े ऐसे बहुत से सवाल हैं जो आपको और पढ़ने समझने को मजबूर करते हैं। जैसे कैसे जेपी आंदोलन ने गांधी की हत्या के दाग से जूझते जनसंघ को एक तरह से इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में एक्सेप्टेबल बनाया। क्यों उत्तर प्रदेश से अलग, जहां काशीराम और फिर मायावती ने दलितों को एक नई पहचान दी, बिहार में दलितों और अति पिछड़ों की सरकार में सीमित भागीदारी रही है। कैसे बिहार, जहां जातीय समीकरण इतना अहम है, नीतीश कुमार एक ऐसी जाति समूह से आते हैं जो बिहार की कुल आबादी का 2-3% भी नहीं है। इनमें से बहुत सारे सवाल आपको इस नई किताब में मिलेंगे। किताब सेज द्वारा पब्लिश की गई है। किताब का शीर्षक है जेपी टू बीजेपी। हमारे साथ आज किताब के लेखक और पत्रकार संतोष सिंह हैं। संतोष जी इंडियन एक्सप्रेस में असिस्टेंट एडिटर हैं और पिछले 15 साल से बिहार कवर कर रहे हैं। पत्रकारिता के जाने माने अवार्ड्स ने उनके काम को नवाजा है। रेड इंक, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, एक्सप्रेस एक्सीलेंस, लिस्ट काफी लंबी है। इनफैक्ट हाल ही में जो बिहार में कोविड टेस्टिंग स्कैम सामने आया है, वो भी संतोष जी ने ही ब्रेक किया है। संतोष जी, शुक्रिया न्यूज लॉन्ड्री के लिए समय निकालने के लिए। थैंक यू। हाँ, आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि अखबार के बायलाइन और फ्रंट पेज रिपोर्ट में ऐसी कौन सी बात छूट गई जिसने आपको ये किताब लिखने के लिए प्रेरित किया? अखबार में एक लिमिटेड स्पेस है ना, आप कितना लिख सकते हैं, 1,000, 2,000, 2,500 लॉन्ग फॉर्म में लिख सकते हैं। इवन भी इंटरनेट को भी ऐड कर दें तो आप 3,000 लिख सकते हैं। तो सारा पर्सपेक्टिव, सारी कहानी, जितने भी मिसिंग लिंक हैं, वो सारी बातें नहीं आ सकती अखबार में। और एक पूरा कथानक अगर आप लीजिए कि 2-3 दशक का लिखना है या 5 दशक का लिखना है कि कहानी मुझे लिखनी है, वो तो कतई अखबार में नहीं आएगा। और अखबार हमेशा सब्जेक्ट से एक सीख के आप बंधे हुए रहते हैं, और किताब की एक अलग नैरेटिव होती है, अलग दुनिया होती है, उसको आपको समग्रता से सारी बातें कहनी होगी। और ऐसी आपको कहनी होगी जैसे कि कुछ नहीं जानता है, हमको स्टार्ट से स्टोरी बतानी होती है, तो उसमें वो फ्रीडम है। अब बहुत सारी ऑफ द रिकॉर्ड बातें हैं जो कि आप नहीं कह पाए अखबार में, उनको कहने की तसल्ली से सुनाने की वजह देती है किताब आपको। तो संतोष जी, आपने काफी लंबा टाइम पीरियड कवर किया है, जेपी से लेके बीजेपी तक, और काफी रिसर्च हैवी बुक है। तो मैं आपसे जानना चाहता था कि कितना कठिन होता है एक डेली अखबार में काम करना और उसके साथ ही साथ एक टॉपिक पे शोध करना और उस पर किताब भी लिखना। नहीं, एक कठिन तो होता ही हो देखिए, लेकिन एक एक अलग लेवल का पैशन चाहिए। और आप अगर शांति से काम करें, आपका नैरेटिव अगर साउंड है, आप डिसाइडेड हैं कि आप क्या लिखना चाहते हैं, तो उसके बाद फिर काम आसान हो जाता है। जैसे मैं अगर व्यक्तिगत रूप से पूछें आप, तो मैंने रात का समय में चुनता हूँ। बेसिकली आई कॉल माई सेल्फ क्रिएचर ऑफ द नाइट। तो 10 बजे से लेकर के 2 बजे का जो टाइम है वो मेरा गोल्डन टाइम है। कोई उसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं है। सॉफ्ट म्यूजिक को, क्लासिकल सेमी क्लासिकल म्यूजिक को प्ले कर दीजिए, अपना रिसर्च कीजिए, या तो पढ़िए या फिर लिखिए। तो एक अगर पैशन है, क्लैरिटी है कि आपको क्या लिखना है, क्या पढ़ना है, तो
तो समय निकल जाता है। मेरे जैसे अखबार में काम की क्वालिटी का प्रेशर है, काम की वॉल्यूम का प्रेशर नहीं है, तो समय अगर दवा में ही किताब निकलती है, अगर आपको लीजर दिया जाए तो उससे किताब नहीं निकलती है, तब लोग रिलैक्स हो जाते हैं, वो कभी कोई टाइम डी डे नहीं आएगा, वो डी मोमेंट नहीं आएगा, आप किताब लिखना शुरू करें, आप लिखना शुरू करें, आप एक चैप्टर के बारे में सोचें, किताब अपने आप बन जाएगी, किताब को आप रिपोर्टिंग असाइनमेंट लें और आसानी से किताब बन जाएगी। बस पर एक दीवानापन चाहिए होता है मुझे लगता है किताब पूरा करने के लिए डेली जॉब के साथ साथ। एकदम दीवानापन के बिना तो किताब हो ही नहीं सकती है, कैसे हो सकती है। आप जिसे मेरे जैसा देखिए कि मैं तो बिहार का हूँ, लेकिन मैं तो दिल्ली में था, भोपाल होते हुए मैं 2006 में बिहार आता हूँ, नीतीश कुमार के बिहार में आता हूँ, तो नीतीश कुमार का पीरियड तो मैंने कवर किया, मेरे लिए तो सारे मिसिंग लिंक थे, लालू प्रसाद मिसिंग लिंक थे, कर्पूरी ठाकुर मिसिंग लिंक थे, जगन पूरा कांग्रेस पूरा मिसिंग लिंक ही लिंक था, तो मेरे लिए तो एक तो अध्ययन की बात थी, पुराने लोगों से मिलने की बात थी, मैंने दो किताबें लिखी, तो कुल मिला करके देखिए तो मैंने 150 लोगों का इंटरव्यू किया होगा, फिर मेरा अपना जर्नलिज्म है, तो एक पढ़ने की बात अगर आप शुरू करते हैं ना तो एक आपको इंटरेस्ट जग जाता है, और मुझे कहीं कहीं लगा कि खास करके अंग्रेजी में नहीं लिखा गया है बिहार की पॉलिटिकल हिस्ट्री, मैं हिस्ट्री नहीं कहूंगा, मैंने एक उस तरह से रेसी स्टाइल में लिखा है, मैंने इस तरह से नहीं लिखा है कि लोग बोर हों, उसको एक स्टोरी टेलिंग के हिसाब से कहानी को पढ़ जाए कि कर्पूरी ठाकुर कौन थे, कपिल देव सिंह कौन थे, रामानंद तिवारी कौन थे, सूरज सिंह कौन थे, बसावन सिंह कौन थे, जगदेव प्रसाद कौन थे, ये सब जो लिटिल नॉन हीरोज हैं, रामनंदन मिश्रा कौन थे, इनकी कहानी को मैंने बताने की कोशिश की कि क्या हुआ, अभी से मैं शुरू करता हूँ, फिर मैं नेपथ्य में जाता हूँ, फिर आगे की तरफ आता हूँ, बैक एंड फोर्थ में जर्नी चलती रहती है, तो मैं सोचता हूँ कि ओवरव्यू भी है और बहुत अच्छा रियर व्यू भी देने की मैंने कोशिश की है। जी जी तो संतोष जी, जैसा आपने बताया अभी आप खुद भी बिहार से ही हैं, 2008 से इंडियन एक्सप्रेस के लिए बिहार कवर कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपका एक व्यक्तिगत राय भी होगी, जो बिहार की राजनीति है उस पर एक समझ भी होगी, तो मैं जानना चाह रहा था कि जब पत्रकार एक रिपोर्ट लिखता है अखबार में तो अपने जो बायसेस होते हैं या अपना जो पूर्वाभास होता है उससे दरकिनार रखना रिलेटिवली इजी होता है, क्योंकि अखबार में जगह भी कम होती है, अखबार में एडिटर भी होता है, तो आप अपने बायसेस अलग रख के सिर्फ ग्राउंड पे जो रियलिटी है उसको लिख सकते हैं। पर आप जब पत्रकार एक किताब लिखता है तो क्योंकि आप खुद किताब लिख रहे हैं तो आपका पर्सपेक्टिव भी होना चाहिए, पर आप पत्रकार हैं तो ग्राउंड रियलिटी भी होनी चाहिए, तो ये काफी फाइन बैलेंस है, तो वो क्या चैलेंजिंग था उसको काउंटर करना कि ये सिर्फ ओपिनियन या पर्सपेक्टिव बन के ना रह जाए, मेरे जो खुद के जर्नलिस्टिक एक्सपीरियंस है वो भी रिफ्लेक्ट कर सके। नहीं, आप अगर किसी भी कहानी को पूरी तरह से जानिएगा, पूरी समग्रता में जानिएगा, पूरे परिप्रेक्ष्य में जानिएगा, तो आपका बायस नहीं आएगा। जिसे मैं लालू प्रसाद को कितना जानता था, तो मैंने जानने की कोशिश की, तो मैं जब फुलरिया गांव से, गोपालगंज के फुलरिया गांव से उनकी जर्नी ट्रैक की कि किस प्रकार वो उनकी घर में नहीं होता था खाने के लिए दूध के बदले में, तो वो सत्तू में पानी मिला करके, आटे में पानी मिला के, चीनी मिला करके देती थी बता करके यही दूध है, तो वहां से जिस व्यक्ति ने जर्नी शुरू की, और मैंने एक बताया है कि चंद्रशेखर जब 77 में उनके घर पे जाते हैं कि खाट पर बैठे हुए हैं, कम्बल ओढ़ करके एक युवक बैठा हुआ है और टूटी हुई खाट है, तो उसमें वो प्रेडिक्ट करते हैं कि ये व्यक्ति किसी न किसी दिन बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा, ये 77 में ग्रेट चंद्रशेखर जो बाद में प्राइम मिनिस्टर बने वो प्रेडिक्ट करते हैं। तो आप तो जनरली नया जनरेशन क्या होता है कि फॉर्डर स्कैम हुआ, अभी जेल में है, तो वो एक बायस हो जाएगा, उसकी वो कहानी होगी। तो मुझको तो लगता है कि लेखक को और मौका मिलता है किसी व्यक्ति को, किसी सब्जेक्ट को और जानने की, और जैसे जैसे आप किसी सब्जेक्ट को जानेंगे आपके बायस अपने आप खत्म होते जाएंगे, ये सब सोचने की बात नहीं रहेगी, आपके पास कोई स्कोप नहीं रहेगा, क्योंकि आपके पास इतने वॉयसेस होंगे कि आपका बायस नहीं आएगा, आप उन स्वर सारे वॉयसेस को सुनिए, खाली ओवरलैपिंग अवॉइड कीजिए और उसके बाद अपना आप कॉल लीजिए। मुझको नहीं लगता है कि मेरे लीनिंग्स और मेरी आइडियोलॉजिकल स्लांट वो कहीं आता है कि जब मैं एक उस चेयर पर बैठता हूँ, जजमेंट वाले चेयर पर, तो मुझको लगता है कि मैं सारी कहानी लिख करके छोड़ देता हूँ अपने पाठकों पर निर्णय लेने के लिए। ठीक है, अब मैं एक आपकी किताब का एक अंश पढ़ना चाहूंगा। मुझे लगता है ये अध्याय जो है ये रामविलास पासवान पे है,
और आप लिखते हैं, द दलित लीडर्स राइट फ्रॉम भोला पासवान शास्त्री टू राम सुंदर दास हु बिकेम चीफ मिनिस्टर डिड नॉट रिफ्लेक्ट एनी दलित असर्शन बट वॉज स्टॉप कैप अरेंजमेंट इन टाइम्स व्हेन अ कॉम्बिनेशन डिड नॉट हैव फुल मेजोरिटी बोथ जगजीवन राम एंड राम विलास पासवान हाउएवर डिड रिफ्लेक्ट दलित वॉइसेस इन नेशनल पॉलिटिक्स बट बिहार हैज नॉट येट गॉट थ्रू द थर्ड फेज ऑफ नेचुरल ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम ओबीसी टू द दलित. तो ये जो ट्रांसफर ऑफ पावर की बात है, आप जो 90 के दशक के शुरुआत से जो मंडल ईरा आया भारतीय राजनीति में, स्पेशली जो नॉर्थ इंडियन राजनीति है, तो समाज के एक ऐसे पिछड़े तबके या वर्ग को प्रतिनिधित्व और भागीदारी मिली जो पहले स्पेशली पॉलिटिक्स में नदारद था. तो उससे काफ़ी जो पिछड़े लोग थे उन्हें ब्यूरोक्रेसी में रिप्रेजेंटेशन मिला. ये आप उस समय के विधानसभा के नंबर्स देखिएगा तो काफ़ी ज़्यादा यादव की संख्या थी विधानसभा में, पुलिस में, ब्यूरोक्रेसी में. बट कहीं ना कहीं, जैसा आपने किताब में लिखा भी है, ये ट्रांसफर ऑफ पावर फिर दलित या अति पिछड़ा, जो जिसे एक्स्ट्रा बैकवर्ड क्लासेस भी बोलते हैं, उनमें नहीं हो पाया. और यही आप बिहार में देखिएगा तो बिहार में काशीराम थे, फिर मायावती बसपा की सरकार भी बनी. तो ये आपको क्यों लगता है कि बिहार में ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं हो पाया फ्रॉम ओबीसी टू दलित एंड ईबीसी? जी, आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे कांसीराम के संदर्भ में. देखिए, मैं थोड़ा सा मैं पीछे ले जाना चाहूंगा कि देखिए अर्ली 30s में जब त्रिवेणी संघ बनता है तो त्रिवेणी संघ का क्या था, जब स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान आंदोलन शुरू किया तो उनको लगा कि बाद में ओबीसी उनकी कंस्टिट्यूएंसी हो सकती है. तो ओबीसी कंस्टिट्यूएंसी जब बनती है तो कांग्रेस को लगता है कि इस कंस्टिट्यूएंसी को त्रिवेणी संघ से निकले हुए लीडर्स को टैप किया जाए. तो उन्होंने टैप तो किया, वो प्रोसेस चला. लेकिन अब जब कांग्रेस का इतिहास आप देखते हैं कि अब पहले इलेक्शन से लेकर 67 तक तो सारे अप्रकाश चीफ मिनिस्टर बनते हैं. अब डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह से लेकर के पी सहाय तक सारे अप्रकाश बनते हैं. तो 67 में, और बीच में ओबीसी को उन्होंने जगह दी, दलित को जगह दी, भोला पासवान शास्त्री भी मंत्री रहे शेड्यूल कास्ट में, लेकिन आप उनको टॉप पोजिशन आपने कभी दिया. 67 से 72 तक का जो एक्सपेरिमेंट है जिसमें कि कई सरकारें आई, भोला पासवान शास्त्री 3 बार मुख्यमंत्री बने, दरोगा प्रसाद राय बने, महामाया प्रसाद बने, कर्पूरी ठाकुर बने, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल बने, सतीश कुमार सिंह बने, हरिहर सिंह बने, 2 बार प्रेसिडेंट रूल लगा. तो इस बीच का जो 67 से 72 के बीच का पीरियड है, तो इसी बीच में चूंकि कांग्रेस के पास एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं थी तभी भोला पासवान शास्त्री आते हैं एज स्टॉप गैप अरेंजमेंट के रूप में. वही कांग्रेस को जब 72 में फुल मेजोरिटी आ जाती है तो केदार पांडे बनते हैं मुख्यमंत्री. कोई दलित नहीं बनता है, कोई ओबीसी नहीं बनता है, तो कांग्रेस अपनी कोर कंस्टिट्यूएंसी की तरफ फिर से चली जाती है. तो बाद में जो लीडर इमर्ज करते हैं, भले शास्त्री जी के बाद आप देखिए सबसे बड़े टॉल लीडर रामविलास पासवान जी रहे. रामविलास पासवान जी अगर बिहार में इन्वेस्ट करते तो वो कुछ वैसा कर सकते थे जैसा कि कांसीराम ने किया. लेकिन उन्होंने हमेशा एक कंफर्ट जोन की पॉलिटिक्स को प्रैक्टिस किया, जो कि मैं उनसे हमेशा ही उनसे शिकायत किया करता था कि आपका 20 साल में कोई पॉलिटिकल ग्रोथ नहीं हुआ है. वो हंस के टाल देते थे कि आप जो 25 साल पहले जितने बड़े थे आज भी उतने ही बड़े हैं, उसे बड़े नहीं हुए हैं आप. भले ही आप 6 चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के साथ काम कर चुके हों, हमेशा लगभग मंत्रालय में रहे हों, सब कुछ ठीक है, लेकिन बिहार कि कैसे वो मुख्यमंत्री बनते बनते 2-3 बार रह गए. हाँ, 2-3 बार रह गए ना. 1990 में वो दावा करते हैं कि हमको लालू जी के पहले, रामसुंदर दास को प्रोजेक्ट करने के पहले मुझको कहा गया था, वो फिर चुनाव हो गया तो लालू जी बन जाते हैं. फिर 2000 में नीतीश कुमार के पहले वाजपेयी जी आडवाणी जी को कहते हैं कि रामविलास जी, मेरी बात मानी जाए तो रामविलास जी आपको जाना चाहिए. फिर वो कहते हैं कि नहीं, कम्फर्ट जोन की पॉलिटिक्स. 5 फरवरी इलेक्शन में बन सकते थे जब उनको 29 सीट आई थी उनकी पार्टी को और ये सरकार नहीं बन पाई थी, फिर चुनाव होना पड़ा. तो अगर वो दबाव डालते तो उसमें बन सकते थे, लेकिन वो हमेशा एक कंफर्ट जोन की पॉलिटिक्स में रहे. तो आप देखिए ना, फिर उनके बाद जो है जीतन रामान जी बनते हैं, किस परिस्थिति में बनते हैं कि नीतीश कुमार को अपनी एक महादलित कंस्टिट्यूएंसी, शेड्यूल कास्ट कंस्टिट्यूएंसी को एक मैसेज देना है. कोई गेस नहीं कर पाता है कि वो बनेंगे मुख्यमंत्री.
जिसने की कोई भी एक सेकंड रंग लीडरशिप में जिसकी चर्चा नहीं होती थी, क्योंकि वो एक उनको एक पॉलिटिकल नीतीश कुमार की जो थी उसमें सेट करता था, उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी को जो उनको कंसोलिडेट करना था उसमें वो सूट करता था, इसीलिए बनाया। तो उसके कोई दलित लीडरशिप एज सच जीतन राम मांझी के रूप में इमर्ज नहीं हुई। तो ये ट्रांसफर ऑफ पावर तब होता जब ये दलित लीडर जो भी बनते पासवान सरीखे वो टिके रहते। ये लोगों की भी गलती है और कांग्रेस पार्टी जैसी लंबी जिन्होंने लंबा राज किया उनकी भी गलती है और सोशलिस्ट पॉलिटिक्स तब आई, उसके बाद तो देखते हैं कि उसके बाद तो ओबीसी पॉलिटिक्स और एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का डोमिनेंस रहा, चाहे वो लालू प्रसाद का परिवार हो, लालू प्रसाद राबड़ी देवी का शासन हो या फिर नीतीश कुमार का शासन हो। उसके बाद अब देखिए अब क्या होता है, अब ट्रांसफर ऑफ पावर अभी भी मुझको डिफिकल्टी लग रहा है कि उस तरफ जा रहा है। जैसे आपने अभी बात की आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की, तो मैं ये भी जानना चाहता था कि क्या कहीं ना कहीं आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो पहचान की राजनीति होती है ये उसकी सीमा है बेसिकली। जैसे जब लालू प्रसाद यादव सत्ता में आए तो जो कास्ट हेजिमनी थी उसको खत्म करने के बजाय उन्होंने एक तरह से बोल सकते हैं जो जो जाति अनुक्रम था उसको उन्होंने सबवर्ट एक तरह से पलट दिया। तो पहले आप एक तरह से बोल सकते हैं कि अगर यादवों को भागीदारी नहीं मिल रही थी या ओबीसी को भागीदारी नहीं मिल रही थी तो अब एक तरह से उनका वर्चस्व हो गया। जैसे मैं बता रहा था कि आप उस समय के नंबर्स देखें तो विधानसभा में, ब्यूरोक्रेसी में, पुलिस में आपको यादवों का दबदबा लगेगा। तो ये और क्योंकि उनकी खुद की वोट बैंक राजनीति भी थी, जो MI लोग बोलते हैं मुस्लिम और यादव, तो उनका उनको अपना वोट बैंक कंसोलिडेशन भी करना था। तो खुद एक तो जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स थी उसका खुद का लिमिटेशन है कि सिर्फ जो विद इन ओबीसी ऑल्सो विद इन बैकवर्ड कास्ट जो 2-3 वोट बैंक कंसोलिडेशन हो रहे हैं सिर्फ उनका असर्शन हो, और दूसरा लालू यादव की जो वोट बैंक पॉलिटिक्स थी वो तो थी। तो आपको क्या लगता है ये भी थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट और लिमिटेशन है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की, उस वजह से भी दलित असर्शन नहीं हो पाया उतना? एकदम ये सही है। लालू प्रसाद जब राजनीति में आते हैं आप देखिए उनके पहले कौन टॉल लीडर थे, विनायक मंडल थे, अनुपलाल मंडल थे, गजेंद्र हिमांशु थे, ये लोग नेता को दरकिनार करके लालू प्रसाद इमर्ज करते हैं। और एक देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि अपनी किताब में नोटिस की होगी कि कर्पूरी ठाकुर एक मास लीडर के रूप में जाने जाते थे, लालू प्रसाद ने जब ओबीसी पॉलिटिक्स स्टार्ट की 77 में यंग MP बन गए वो, तो अचानक कर्पूरी ठाकुर EBC लीडर का टैग लगना शुरू हो गया कि ये अति पिछड़ी जाति के हैं, ये टैग उन पर थोपा गया। वो कभी वो पसंद नहीं करते थे, वो तो एक सर्वमान्य नेता के तौर पर लोग उनको जानते थे। तो लालू प्रसाद ने उस पॉलिटिक्स को ही एक तरह से आगे बढ़ाया। जब वो बनते हैं तो उनको लगा कि एक अब देखिए एक साथ कई चीजें होती चली गई ना, 1989 का भागलपुर राइट्स होता है, फिर मंडल वर्सेस कमंडल होता है, 91 में कितना मतलब बिहार झारखंड उसमें साथ था, स्वीप कर लेता है बिहार का इलेक्शन। तो एक तरह से वो मंडलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, सेकुलराइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, इस सब का एक जो कल्मिनेशन होता है, लालू प्रसाद एक बहुत बड़े लीडर के रूप में इमर्ज करते हैं। मुस्लिम वोट इनको लॉक स्टॉक एंड बैरल शिफ्ट कर जाता है, तो उनको लगता है कि 17+13, 14-15 तो एक 30-31% का हमारे पास एक तो बेस कुशन वोट है, इसके बाद हम कुछ थोड़ा सा EBC या प्रकाश इधर उधर का ऐड कर देंगे। तो ये एक अनसेलेबल पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन है। तो वन ऑन वन जब तक रहा तो ऑफकोर्स लालू प्रसाद ने राज किया, इस थ्योरी को प्रैक्टिस किया। नीतीश कुमार अलग रहे 95 में तो 7 या 9 सीट उनकी पार्टी सिमट के रह गई, तब बाद में सोचा कि नहीं साथ आया जाए। तो साथ जब आते हैं BJP के तब उनको एक तरह से रेसिस्टेंस होता है, एक जो अरुण जेटली ने कहा था रेनबो कोलिशन, अपर कास्ट, दलित, ओबीसी सब एक साथ वोट दें, तब उस नीतीश लालू प्रसाद के माई कॉम्बिनेशन को, माई प्लस कॉम्बिनेशन को ये सक्सेसफुली चैलेंज कर पाते हैं। तो ये जो ओबीसी इसमें पॉलिटिक्स में क्या होता है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, वो अपना सोशल कॉम्बिनेशन देखता है। आप नीतीश कुमार को लीजिए, सबसे बड़े पॉलिटिकल कैलकुलेटर हैं, 3% के जाति समूह के नेता हैं, इन्होंने देखिए कैसा कॉम्बिनेशन किया है। इनको लगता है कि हमको थोड़ा अपर कास्ट भी चाहिए, थोड़ा दलित भी चाहिए, EBC भी चाहिए। तो गणित तो घूम फिर करके जाति और जाति समूह पर आ जाती है। और उसके बाद आपने ऑफ कोर्स देखा कि लीडरशिप इसने सेकंड रन क्रिएट ही नहीं किया। बेटा होगा जैसे लालू जी का पुत्र आ गया तो वो पार्टी में एक्सेप्टेंस होगा, कुछ दिन पार्टी चलेगी, अगर लीडरशिप कोसेंट होगा, पोटेंशियल होगा,
तो फिर पार्टी आगे बढ़ेगी, नहीं तो अदरवाइज एक टाइम के सब बात खत्म हो जाएगी। इसे अब जदयू के बाद देखिए एक संकट है, अस्तित्व का संकट है। कैप्टन नीतीश कुमार हूँ। तो मैं, आपने बात की अभी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की जो, और आप अभी कर्पूरी ठाकुर की बात कर रहे थे, हालांकि कर्पूरी ठाकुर तो मंडल ईरा से भी पहले आए थे, तो उन्होंने काफी जो काम और रिजर्वेशन करवाया वो बाद में पूरे भारत में हुआ। तो जो अब क्योंकि आपकी जो किताब है उसका शीर्षक है फ्रॉम जेपी टू बीजेपी, तो उसमें एक ओवरवेलमिंग अंडरलाइनिंग थीम ये भी है कि किस तरह से जो सोशलिस्ट या सो कॉल्ड ग्रीन शेड्स थे उन्होंने सैफरन को दिया। इनफैक्ट आपने किताब में लिखा भी है कि सैफरन आस्क्स ग्रीन आस्क्स सैफरन व्हाई हाउ आर यू सो वाइब्रेंट एंड सैफरन रिप्लाइज बैक सेइंग आई हैव शेड्स ऑफ ग्रीन टू हेंस। तो ये क्योंकि आपने एक एक ओवरआर्चिंग थीम है, तो मैं ये जानना चाहता था आपसे कि एक तरह से समाजवाद की जो नींव रखी थी लोहिया एंड जेपी ने, आपको क्या लगता है कि वो कंपैटिबल नहीं है मंडल पॉलिटिक्स के साथ? क्योंकि मैं जैसे आपको एक उदाहरण के लिए, और मुझे लगता है ये आपकी किताब में है या मैं कोई और किताब में पढ़ रहा था, जो सब जो दो अगर आप नारे लेना चाहें, जो लोहिया जो लोहिया ने जो नारा दिया था पिछड़ा पावे 100 में 60, 100 में 60 60% लोगों की जो बैकवर्ड लोगों की राजनीति उसकी बात करते थे लोहिया, और जो लालू यादव ने स्लोगन दिया था वो था भूरा बाल साफ करो, भूरा भूमिहार राजपूत लाला, तो ये काफी कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियोलॉजी भी है। तो आपका, तो आपको क्या लगता है कि जो समाजवाद का जो इतिहास रहा है या जो समाजवाद का जो अभी, हालांकि हम अभी भी बोल सकते हैं कि नीतीश कुमार में अभी भी काफी उन्होंने जिस तरह की पॉलिसीज इंप्लीमेंट की है दैट हैज अ लॉट टू डू विद हाउ जो लोहिया का वर्ल्ड व्यू था या कर्पूरी ठाकुर का वर्ल्ड व्यू था, पर आपको लगता है कि समाजवाद ठीक से परिपक्व इसलिए भी नहीं हो पाया क्योंकि जो मंडल राजनीति थी वो उसके एकदम ऑपोजिट या कॉन्ट्रेरी थी जो समाजवाद की जो राजनीति है? देखिए समाजवाद को कितना प्रैक्टिस इन लोगों ने किया और कितना ये समाजवाद के बारे में जानते हैं मुझे इस पर शक है। उस धारा से आए, जेपी मूवमेंट के प्रोडक्ट थे, उस धारा से आए या समाजवाद के नाम से आए, लेकिन इन्होंने, मुझे नहीं लगता है कि सोशलिज्म को बहुत ग्रेट डिटेल में प्रैक्टिस, ग्रेट एक्सटेंट तक इन्होंने प्रैक्टिस किया रियल लाइफ में। तो इनकी पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस पर होकर के टिक जाती है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द होती है। अब जिसे समाजवाद का कंसेप्ट क्या था, लालू जी आए ठीक है, सोशल एम्पावरमेंट का शुरू में उन्होंने काम किया जो कि कर्पूरी ठाकुर एग्रेसिवली नहीं कर पा रहे थे, फिर ये लालू जी ने किया। उस एग्रेशन में क्या हो गया कि एक सोशल डिवाइड हो गया, बैकवर्ड फॉरवर्ड डिवाइड हो गया, वो भी समाज के लिए डेट्रीमेंटल नहीं है। समाजवाद ये तो नहीं कहता है कि लड़ाई करवाओ, समाजवाद बराबरी की बात करता है कि भाई वो गरीबी का नाम नहीं है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड रिचेज है, ये उसकी बात करता है। तो उस दिशा में नहीं जा करके कहीं ना कहीं कास्ट पर बहुत ज्यादा फोकस रहा, कैसे कास्ट कॉम्बिनेशन को हम बनाएं, उसको बना के रखें और उसके बाद ही कुछ हो। सोशल एम्पावरमेंट के कुछ कुछ काम हुआ, उसके बाद नीतीश कुमार ने कुछ कुछ जो सोशलिस्ट आइडियल्स है जो कर्पूरी ठाकुर से उन्होंने बारो किया और आगे बढ़ाया, चाहे कि स्कूल फी का वेवर हो, चाहे पंचायती राज सिस्टम में 50% रिजर्वेशन हो, फिर महिलाओं को 35% रिजर्वेशन हो, ये सारी बातें हुई। ऐसा नहीं है कि मैं सिरे से नकार करता हूं कि काम नहीं किया, लेकिन आप जो मूल तत्व जो लोहिया ने जो समाजवाद का सोचा होगा वो समाजवाद तो कहीं प्रैक्टिस नहीं हुआ, वो तो 77 में भी प्रैक्टिस नहीं हुआ, वो उसके बाद तो कतई नहीं हुआ। तो बिट्स एंड पीसेस में आप चरवाहा विद्यालय सुनने में बड़ा अच्छा कंसेप्ट लगता है, पहलवान विद्यालय, चरवाहा विद्यालय, लेकिन रियलिटी में हुआ नहीं, एक स्लोगन के बियॉन्ड ये गया नहीं। नीतीश कुमार ने भी बहुत प्रयास किया और फर्स्ट टर्म में बहुत सक्सेसफुल हुए, उनका अगर कहिएगा 50% जो रिजर्वेशन जो दिया है उनकी लेगेसी है, जो लड़कियों को साइकिल दिया वो उनकी लास्टिंग लेगेसी रहेगी, और तो ये सब चीजें हुई समाजवाद के नाम पर। लेकिन घूम फिर करके फिर वो जो जो बात जो है ना टिक जाती है जब जाति की पॉलिटिक्स में, तो वही समाजवाद का कंसेप्ट जो है नैरो हो जाता है। ठीक है, अब आपने लेगेसी और विरासत की बात की, तो मुझे लगता है एक मैं ये अंश पढ़ना चाहूंगा फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा। ये आपकी जो
ये करंट किताब से नहीं है, वो पहली किताब से है जो थैंक यू, आपने ये भी ले आप लिए ये भी ले आए. अच्छा तो इसमें इसमें ये चैप्टर लालू यादव पे है। चैप्टर का शीर्षक है लालू द फिनोमिनम। तो आप लिखते हैं कि, और ये मुझे लगता है ये लालू जब फर्स्ट टर्म में आए थे तब की बात है, लालू वुड ऑफन सेंड द एडमिनिस्ट्रेशन इन अ टिजी। ही वुड विजिट स्लम्स नियर पटना रेलवे स्टेशन फॉर रोड क्लीनिंग कैंपेन। ही वुड वियर अ भगत सिंह टाइप हैट एंड कैरी अ वुडन स्टिक। ही वुड सिट इन द मिडल ऑफ द रोड एंड शाउट इंस्ट्रक्शंस टू गेट द वर्क डन। इलेक्ट्रॉनिक न्यूज चैनल्स हैड जस्ट अराइव्ड। लालू एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लाइक्ड ईच अदर एट द वेरी फर्स्ट साइट। तो मैं मीडिया के पर्सपेक्टिव से पूछना चाहूंगा, क्योंकि लालू यादव उनके बारे में जो भी कहें, मीडिया के एक हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहे हैं, चाहे फॉर गुड हो फॉर बैड हो। हालांकि आज का मीडिया उन्हें काफी अलग नजरिए से देखता है जो 10 साल पहले का मीडिया था, पर लालू यादव का जो मीडिया पोर्ट्रेल है वो काफी एक्सट्रीम रहा है। इनफैक्ट अगर आप पढ़ेंगे लालू यादव, या तो उन्हें जो है सोशल एम्पावरमेंट, सोशल जस्टिस का इनेबलर माना जाता है, या उन्हें जैसा कि हमने अभी जब विधानसभा इलेक्शन हुआ पिछले साल अभी बिहार में, या उन्हें जंगल राज या मिस गवर्नेंस के लिए चाहा जाता है। तो क्योंकि आप खुद भी एक पत्रकार हैं, आपने काफी बायलाइंस ऑब्वियसली रिपोर्टिंग की भी है, आपने काफी स्कैम्स भी अनर्थ किए हैं, तो आपको क्या लगता है जो लालू यादव की जो विरासत रहेगी उसमें मीडिया का क्या रोल रहेगा? क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जब मैंने आज से 4-5 सालों पहले जब लालू यादव के बारे में मैं पढ़ता था किताबों में या अखबारों में, तो काफी अलग छवि आती थी। आपने भी एक कोट किया है कि कैसे जो एक डिस्टिंक्शन होता है इनेबलर और प्रोवाइडर में, दैट आफ्टर फॉर अ सर्टेन लेगेसी पीपल ऑलवेज रिमेम्बर इनेबलर एंड नॉट समवन हुज अ प्रोवाइडर, एंड लालू समवेयर फिट्स इन दैट इनेबलर। बट आपको क्या लगता है जो मीडिया का जो पोर्ट्रेयल है और रिप्रेजेंटेशन है वो लालू यादव की विरासत में कहाँ फिट होगा? देखिए, मीडिया का पोर्ट्रेयल बहुत फेयर नहीं है, खास करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का. अब ऑप्टिक्स के लिए तो बहुत अच्छा था, विजुअल्स लालू जी का, उनके साउंड बाइट्स उस हिसाब से बहुत अच्छे थे. वो चलते थे, लालू जी के विजुअल्स बिकते थे, किसी चौराहे पर खड़े हो गए, पान खा रहे हैं, लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं. उसका जो टेक अवे था, टेक अवे ये था, जब चंद्रशेखर सिंह बने मुख्यमंत्री बिहार के, या फिर जगन्नाथ मिश्रा बने, तो उस समय जो जनता दरबार होता था तो लोग मुख्यमंत्री तक पहुंच नहीं पाते थे. इन्होंने अन्य मार्ग का दरवाजा, एक अन्य मार्ग का दरवाजा खोल दिया. इन्होंने सेंट्रीज हटा दी, आने दो लोगों को. समथिंग जो कर्पूरी ठाकुर किया करते थे, कर्पूरी ठाकुर इतना काम किया करते थे, लोगों से मिलते थे कि एक बार जसवंत सिन्हा को ले जाना पड़ा था उनको कहीं और फाइल साइन साइन करवाने के लिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रूप में. तो उस चीज को लालू जी ने रिपीट किया. तो वो जो टेक अवे था ना, उस चीज को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने उस चीज को अब दिखा तो दिया, लेकिन उसको याद रखने लायक बात है. ये चेंज तो किया, मुख्यमंत्री के कुर्सी को बीच रोड पर लाना और लोगों को बताना कि ये डीएम एसपी जितने लोग हैं ये तुम्हारे सर्वेंट्स हैं, दे आर पब्लिक, दे आर कॉल्ड पब्लिक सर्वेंट्स, दे आर नॉट योर मास्टर्स, ये शिफ्ट दिया. तो मैं याद करूंगा कि सोशल इम्पावरमेंट मैन ऑफकोर्स हैं वो, लेकिन वो बेहतर कर सकते थे. सोशल इम्पावरमेंट हु कुड हैव डन बेटर एज एन एडमिनिस्ट्रेटर. थोड़ा सा मेथड होना चाहिए था. जो उनके टाइम में स्कैम्स हुए, जब आप पीएजी की रिपोर्ट नहीं आती थी, ये सारी चीजें को उनको ध्यान देना चाहिए था कि कहाँ से स्लिप अप हुआ. तो एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर वो अगर बेहतर करते तो उनको और काइंडली हिस्ट्री उनको जज करती. जो बाद में फॉर्डर स्कैम हुआ, जो भी उन्होंने बहुत कुछ किया उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिटिगेट करता है, लेकिन जब ओवरऑल जब कहीं ना कहीं जज करेगा हिस्ट्री तो बहुत ज्यादा अनकाइंड नहीं रहेगा. वो इनेबलर का शेड उनका फिर भी प्रोमिनेंट रहेगा. ठीक है, मुझे अब फ्यूचर पॉलिटिक्स से याद है, आप पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हैं तो मैं आपसे प्रेडिक्शन नहीं मांगूंगा, थोड़ा अनफेयर हो जाएगा। तो एक बार नीतीश कुमार की विरासत के बारे में बात करते हैं, और दो तस्वीरें जिसका उल्लेख आपने किताब में भी किया है। एक तस्वीर वो जब 2009 में लुधियाना में रैली हो रही है, मोदी जी भी हैं वहाँ, भाजपा के अलग नेता भी हैं उस समय, नीतीश जी साथ में हैं और नीतीश जी जाना नहीं चाहते हैं वहां पे भाजपा की, पर
लाल कृष्ण आडवाणी ने रिक्वेस्ट किया तो नीतीश कुमार वहां जाते हैं, जो है जैसे ही वो मंच पे चढ़ते हैं एकाएक उधर से नरेंद्र मोदी आते हैं और हाथ खड़ा करके एक फोटो ऑफ हो जाता है, जिसका फिर शंकरदर्शन ठाकुर ने भी काफी विवरण किया है किताब में, किस तरह से वो काफी अपने नीतीश कुमार अपने सहयोगियों पे काफी गुस्सा हुए कि क्या इसी काम के लिए मुझे यहाँ पे बुलाया गया था। तो एक वो राजनीति थी जहाँ वो ना कि सिर्फ अपनी नीतीश कुमार अपने आप को मोदी जी मोदी नरेंद्र मोदी का कंपेटिटर देखते थे, बल्कि उनको अपने आप की छवि से बहुत अलग पाते थे। एक जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन की भी बात होती है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बात होती है, और फिर हम आते हैं कट्टू जो जो हाल ही में बीते विधानसभा चुनाव की जो तस्वीरें हैं आप देखेंगे, जैसे जिस तरह से लालू यादव नदारद थे राजद के कैंपेन पोस्टर से, उसी तरह से नीतीश कुमार नदारद थे भाजपा के पोस्टर से। और ये वहा मुझे ये नहीं याद है कि कौन से चरण में था, ये हुआ था कि अल्टीमेटली जो है नीतीश कुमार को फोटो डालनी पड़ी अखबार में, जो है जहां मोदी नरेंद्र मोदी हंसते हुए हैं और नीतीश कुमार भी है कि पिक्चर देने के लिए कि दोनों साथ में ही इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ये जो जर्नी हुई है नीतीश कुमार की एज अ चैलेंजर, और अब जो है नीतीश कुमार की अब ऑलमोस्ट सबमिसिव फिगर हो गए हैं, तो एज अ पॉलिटिकल जर्नी आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार की क्या लेगेसी रहेगी, और ये जो जर्नी रही है उनकी एज अ चैलेंजर टू समवन हु सबमिसिव कोलिशन के अंदर ही? पहले तो चैलेंजर वाला पार्ट में बताता हूँ। अब देखिए, अब 5 के बाद जब नीतीश कुमार का राइज होना शुरू होता है, तो मेरी पिछली किताब रूल मिसरूल में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा राजनीतीश, इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइन थी, इसको मैंने यूज किया था इसमें उनको क्रेडिट देते हुए। 9 और 10 जो था ना नीतीश कुमार का अल्टीमेट था, वो हाई था, वो पॉलिटिकल हाई था। जबकि एक बिहार की टर्न अराउंड स्टोरी की बात होती है, इंटरनेशनल मीडिया में नीतीश कुमार की चर्चा होती है, क्योंकि लॉलेसनेस से बिहार आता है और कन्विक्शन रेट बढ़ जाता है और नाइट लाइफ शुरू हो जाता है, मॉल सब खुलने शुरू हो जाते हैं, तो एक सिस्टम में ट्रस्ट लोगों को वापस आना शुरू होता है। तो 9 और 10, 9 का लोकसभा जबकि कांग्रेस जीतती है, लेकिन बिहार में 20 सीट इनको आता है जदयू को अकेले, कुल मिलाकर 31 भाजपा के साथ ही जीतते हैं, एनडीए जीतती है। फिर जो 10 तो अल्टीमेट है, 206 आउट ऑफ 243। तो ये जो विक्ट्री है, इस विक्ट्री ने क्या किया कि नीतीश कुमार को एक सेल्फ बिलीफ भी दिया और थोड़ा सा भ्रम भी दिया, मैं कहूंगा कि मैं राष्ट्रीय राजनीति में प्रयास करता हूं, कि अरे आप तो कुछ भी कर सकते हैं, राष्ट्रीय राजनीति में जाइए आप। तो 10 से ही उनको आइडिया आया, 5 या 7 सीट ही तो दूर थे वो पावर से, उतना आता तो भाजपा को तभी वो लात मार के निकाल देते। लेकिन उसके बाद एक उससे क्या हुआ कि उनको एक मन में कहीं ना कहीं चला गया एक नेशनल एम्बिशन की तरफ। ये कैसे हो ये नहीं सोचा मैंने कि हमारी पार्टी छोटी छोटी है, कैसे हो सकती है। तो उनको लगा कि अगर ठीक है गौड़ा बन सकते हैं, गुजराल बन सकते हैं, तो मैं तो मेरा लीडरशिप क्वालिटी कम से कम अच्छी है, चर्चा है राष्ट्रीय स्तर पर, मैं प्रयास कर सकता हूँ। तो सबसे पहले 12 में वो बोलते हैं, एक पार्टी के एक फंक्शन में बोलते हैं कि भाई चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर ऐसा होना चाहिए जिसका क्लीन एंड स्टेकुलर इमेज होता है, 2 वर्ड्स बोलते हैं और उसको हम लोग रिपोर्ट किया था। फिर एक अखबार के इंटरव्यू में भी बोलते हैं और फिर उस बात को कहते हैं कि गोल्डन वर्ड्स आर नॉट रिपीटेड। फिर आप जानते हैं कि 13 के बाद से लकीर की जाती है, और 13 के जून में मोदी जब वहाँ कैंपेन कमेटी के हेड बनते हैं गोवा वाली मीट के बाद, तो उन्होंने अपनी लकीर खींच ली और वो अलग हो जाते हैं। उसके बाद इनका एक तरह से एक आइडियोलॉजिकल कद बहुत बड़ा हो जाता है, फिर वो संघ मुक्त भारत की बात करते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन जो सोच किए जाते हैं वो हो नहीं पाता है। कांग्रेस इनको तरजीह नहीं देती है, नेशनल कन्वीनर नहीं बनाती है, उनको नहीं बुलाती है, कोई फोरम नहीं बनता है, एक यूनाइटेड फ्रंट टाइप का कुछ नहीं बनता है अपोजिशन का, जिसके कि न्यूक्लियस नीतीश कुमार हो सकते हैं। तो उनको लग रहा है कि मैं कहाँ आ गया हूँ, किस कंपनी में आ गया हूँ। फिर वो एक थिंकिंग और प्रैक्टिसिंग पॉलिटिशियन हो जाते हैं, प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक पॉलिटिशियन की तरफ पे कन्वर्ट होते हैं। फिर वो अपनी आइडियोलॉजी को रोल बैक करते हैं, वापस जाने के बाद लौटते हैं। मैंने उनको पूछा था, एक किताब में मैंने जिक्र भी किया है 1-on-1 इंटरव्यू में, कि आप लालू जी के पास क्यों गए, तो बोले कि जब मेरा डेवलपमेंट प्लान चला ही नहीं, 14 में 2 सीट आ गया, तो मेरे डेवलपमेंट प्लान का क्या हुआ। एक वो कास्ट बेस के मास बेस के लीडर हैं, उनका सहयोग मुझको चाहिए।
तो वो उस समय की बात थी जब फिर से जब वहां नहीं बना, वो आजादी नहीं मिली, वापस आते हैं। वापस आने के बाद फिर से बीजेपी में आते हैं, तो ये दूसरे नीतीश कुमार, एक नीतीश कुमार 17 के पहले वाले होते हैं जो कि एंटी नरेंद्र मोदी पॉलिटिक्स के न्यूक्लियस हैं, और दूसरे नीतीश कुमार सिर्फ नीतीश कुमार है, एक व्यक्ति, एक पॉलिटिशियन जो सिर्फ मुख्यमंत्री बने रहना चाहता है। यही अंतर हो जाता है, उसको आप जिस टर्म में डिफाइन कर सकते हैं। अब ये सेकंड पार्ट आपका लिगेसी वाली बात, ऑफकोर्स रहेगी, टर्न अराउंड मैन के रूप में जानेंगे, जिसने कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को एक तरफ ओवरहॉल कर दिया, ठीक है, पुल पुलिया टूट जाते हैं और इनेबलर को याद रखता है, लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अब बेसिक भी हमारे पास इतने सालों की आजादी के बाद नहीं था। मुझे याद है अपना बचपन की, मैं बांका जिले के एक गाँव में, मेरा गाँव का नाम रामतुआ है, वहां से बांका जाता था, मात्र 40 किलोमीटर का डिस्टेंस 3 घंटे में सफर ट्रेवल करते, वो टाटा मैक्सी चला करता था, और किस तरह से हिचकोले लेके गाड़ियां जाती थी, मैं सपने देखा करता था क्या अच्छी सड़क बनेगी। वो एक्चुअली हुआ, वो इनके काल में हुआ, तो उस चीज को डिस्काउंट नहीं करना चाहिए। फिर उनका 50% रिजर्वेशन की जो बात मैंने की, ये सब इनकी लास्टिंग लेगेसी रहेगी। और जिनकी एक एक ऐसे व्यक्ति जिनकी अपनी आइडियोलॉजी पर स्टिक रहते, जो जो कि सेकेंड लेवल ऑफ ग्रोथ करते, सिर्फ बिजली पानी सड़क पर ही नहीं फंसे रहते, वो श्री कृष्ण सिंह अगर अपने राजकाल में एक एक जिले में 13 इंडस्ट्रियल यूनिट ला सकते हैं बेगूसराय में, तो आपको प्रयास तो करना चाहिए था ना। आप लैंड एक्विजिशन की बात बोल करके नहीं बोलती, ये पॉसिबल नहीं। छोटे छोटे फूड प्रोसेसिंग यूनिट, ये सब चीजें हो सकती थी। हमारे पास केला, मखाना, पोटैटो, बहुत सारी संभावनाएं, खास करके फूड प्रोसेसिंग की संभावना में, तो ये चीजें नीतीश कुमार कर सकते थे जो उन्होंने नहीं किया या नहीं कर पाए। ओके तो संतोष जी, अब यही गवर्नेंस की बात चल रही है, आपने अभी बताया कि जो फर्स्ट जो गवर्नेंस पे डिलीवरी हुई नीतीश कुमार की, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि आप अगर बिहार का इतिहास देखें, स्पेशली पोस्ट इंडिपेंडेंट राजनीतिक इतिहास, जो एंटी एंटी कांग्रेस धारा है वो बिहार से ही शुरू हुई, जेपी आंदोलन एक तरह से बिहार का ही आंदोलन था, उससे पहले आप और पीछे चले जाइए तो चंपारण में जो जो गांधी जी ने आंदोलन किया, तो बिहार एक ऐसा प्रदेश, और ऑब्वियसली बाद में भी कई नेता आए, कर्पूरी ठाकुर, लालू यादव, जिनका पूरे भारत पे इम्पैक्ट रहा है, तो बिहार एक ऐसा प्रदेश है जिसको कभी लीडर्स या विजन की कमी नहीं रही है। अगर आप और स्टेट से अगर तुलना करें, विजन और जो पॉलिटिकल लेगेसी भी होती है, जो जिसको टारिंग फिगर और टॉल पर्सनालिटीज बोलते हैं पॉलिटिक्स में, पर कहीं ना कहीं डिस्पाइट हैविंग पॉलिटिकल लीडर्स एंड विजन, गवर्नेंस पे वो ट्रांसलेशन नहीं, कन्वर्जन नहीं हुआ है। तो ये आपको गैप क्यों लगता है? क्योंकि ऐसा नहीं कि बिहार एकमात्र पिछड़ा प्रदेश था आजादी के बाद, और भी प्रदेश थे, वो बिहार से आगे निकल चुके हैं अभी, तो ये आपको क्यों क्यों लग रहा है? क्योंकि गवर्नेंस होने के लिए एक आपके सशक्त और विजन वाले लीडर्स बहुत जरूरी हैं, जो बिहार के पास थे, उसके बावजूद भी गवर्नेंस पे उतना काम नहीं हो पाया बिहार पे, तो ये आपको गैप आपको क्यों लगता है? ये मतलब कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी, मंडलाइजेशन, यादवाइजेशन के वजह से है, या आपको लगता है इसका कुछ दोष लोगों पर भी जाता है, जनता पे? मिला जुला आंसर है इसका। आप देखिए, ऑफकोर्स लीडरशिप मिली, श्री कृष्ण सिंह ने बहुत अच्छा काम किया, उनके पीरियड को अभी भी गोल्डन पीरियड माना जाता है, लेकिन अब क्योंकि थोड़ी थोड़ी सी चीजें हुई, केवी सहाय तक काम हुआ, थोड़ा बहुत केदार पांडे ने भी किया। बाद में जो होता है ना कि 72 के बाद जो गवर्नमेंट बनती है, 72 के बाद कांग्रेस की गवर्नमेंट उस तरह से होल्ड नहीं कर पाती, और उसके बाद आप देखते हैं कि कम कम कोई किसी का कार्यकाल पूरा नहीं होता है, तुरंत अब्दुल गफूर बन जाते हैं, फिर जगन्नाथ मिश्रा बन जाते हैं, फिर इमरजेंसी लग जाती है, फिर जनता पार्टी के राज आता है, फिर थोड़ी स्टेबिलिटी आती है, जबकि 80 में फिर से जगन्नाथ मिश्रा आते हैं 5 साल के लिए, हाँ 10 साल के लिए मानिए, लेकिन उस 10 साल में कांग्रेस के अंदर इनस्टेबिलिटी है। कितने चीफ मिनिस्टर अटेम्प्ट किए उन्होंने, दिनेश दुबे, भागवत आजाद, चंद्रशेखर सिंह, सत्येंद्र नारायण सिन्हा, फिर से जगन्नाथ मिश्रा। तो ये जो इतना लीडरशिप का रिशफलिंग, और कांग्रेस एक मोनोलिथिक स्ट्रक्चर, उनको इतना कंप्लेसेंट हो जाना, और एक सर्टन कास्ट ग्रुप को के इंटरेस्ट को ही ज्यादा कैटर करना, ये कमी रही कांग्रेस की। और दूसरे फेज में जब आते हैं आप, जो कि मैंने डील किया सोशलिस्ट वाला, तो
तो 72 से 77 के बीच में तो कुछ हो ही नहीं सकता था ज्यादा, इतनी सरकारें बनी तो संभव ही नहीं था, इतनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी। मंडल के काल में क्या हुआ कि लालू जी की जो कास्ट वाला जो उनको जो एक वोट का वोट बैंक का जो सुरूर उनको चला गया, तो वो कंप्लेसेंट हो गए, तो उनको लगा कि कोई बात नहीं, अब गवर्नेंस नहीं भी होगा फिर भी हम चुनाव जीत जाते हैं। तो ये दोष लालू जी को जाता है कि उन्होंने गवर्नेंस पर फोकस नहीं किया। वो एक गोल्डन पीरियड था कि 90 से लेकर के 2005 के बीच उनको मौका था कि कुछ न कुछ करते, उनको अहमियत नहीं लगती थी, लोग कहते थे अखबार में लिख भी दोगे तो क्या होगा, हमारा वोटर अखबार नहीं पढ़ता है, वोट हमको देगा। तो आप उनके आप क्या कह सकते हैं, विजन की कमी कह सकते हैं आप, ये कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स का डोमिनेंस कह सकते हैं, तो इसके कारण नहीं कर पाए। तो उसी चीज के यही हुआ, तभी तो नीतीश कुमार आए। नीतीश कुमार की डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स इसीलिए चली कि बिहार में हुआ नहीं था कुछ, अभी तो इतने उनकी यूएसपी इसीलिए रही ना लंबे समय तक टिकी। ठीक है उनकी जाति समूह की जरूरत है उनको, सब कुछ सही है, लेकिन उनका डेवलपमेंट कार्ड फिर भी ऊपर रहता है, फिर भी वो उनको जाति के नेता के रूप में टैग लोग अभी भी नहीं करते हैं। वो अगर अपने इन हाउस में जब बात करते होंगे अपने स्ट्रेटजिस्ट के बीच में, तो वहां जाति समीकरण कास्ट लिस्ट की बात होती हो ओपनली कभी नहीं होगी। हम आप जजमेंट भी करेंगे तो उनको अभी भी लोग भले ही लोग डिराइड करते हैं कुछ लोग सुशासन बाबू, तो टू एन एक्सटेंट ही श्योरली सुशासन बाबू, कुछ नहीं था जहां एक सैनिटी तो लाया उस चीज को, उस ऑर्डर को, उस डेवलपमेंट चीज डेवलपमेंट प्लान को, जो चीजें की उसको डिफरेंट लेवल पे ले जा सकते थे। अभी आप जहां देखिए बिहार के किसी भी कोने में, तकरीबन मैं काफी ट्रेवल करता हूं, आसानी से हम लोग कोई भी गांव पहुंच सकते हैं, तो वो क्रेडिट तो देना पड़ेगा, और बेहतर हो सकती है, क्यों बेहतर नहीं हो सकती है, लेकिन जहां कुछ नहीं था वहां दिया। हाँ वो और नीतीश कुमार 15 साल सरकारी नौकरी नहीं होती है कोई पॉलिटिक्स, उनको लंबा समय मिला था, उसका बेहतर इस्तेमाल वो कर सकते थे। ठीक है संतोष जी, जब हम इंटरव्यू के प्रारूप के लिए बात कर रहे थे तो आप बता रहे थे कि कैसे आपका किताब लिखने का मकसद ये भी रहा कि जो ये काल रहा है जेपी से बीजेपी तक को लेके, और जिसका अधिकांश हिस्सा आपने पॉलिटिकल रिपोर्टिंग भी किए, कि किस तरह से किताब एक प्रयास है उस पीरियड का एक डॉक्यूमेंटेशन करने का। तो अगर आप गूगल या अमेजोन पे जाएंगे तो इवन दो काफी रिच बिहार की पॉलिटिकल हिस्ट्री है, उतनी किताबें नहीं है जो है जो बिहार का जो राजनीति रही है पिछले 30-40 सालों में। तो एक आप उसका क्या कारण मानेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बिहार में लेखकों और कवियों और पत्रकारों की कमी है, आप दिल्ली में आ जाइए तो अधिकांश जो हिंदी मीडिया है वो बिहारियों से भरा हुआ है। तो एक मेरा पहला सवाल कि ऐसा आपको क्यों लगता है एज अ जर्नलिस्ट एंड एज अ राइटर कि जो जो रिसोर्स मटेरियल या जो किताब है उसकी कमी है। दूसरा अगर आप हमारे दर्शकों को बता सके कि आपकी 2 या 3 मनपसंद किताबें, अगर किसी को अगर कोई बिहार का हो या बिहार के जो मुद्दे हैं या उसके ऊपर अगर समझ बनानी हो, तो कौन सी 2 या 3 किताबें आप हमारे दर्शकों को रेकमेंड करना चाहेंगे। अंग्रेजी में मुझे बहुत कुछ नहीं लगी, थोड़ी बहुत पार्ट में आप शंकर सुंदर की पहली किताब आप पढ़ सकते हैं, उस टाइम में लिखी थी वो, डेफिनेटली क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट था तो मुझे ज्यादा अच्छी लगी। और थोड़े नीतीश कुमार को जानना है तो उनकी सिंगल मैन भी पढ़ी जा सकती है, और अरुण सिन्हा की नीतीश कुमार राइज एंड राइज ऑफ बिहार पार्ट में सही है, बैटल फॉर बिहार उनकी दूसरी किताब है, और जो एक क्लासिक पढ़ने किसी को मन हो तो अरिंदम एंड दास की रिपब्लिक ऑफ बिहार जरूर पढ़ी जानी चाहिए। ये रही अंग्रेजी में, और हिंदी में प्रसन्न कुमार चौधरी और श्रीकांत ने जो मिलकर लिखा है वो सारी किताबें पढ़ी जानी चाहिए। बिहार में राजनीतिक परिवर्तन के कुछ आयाम, स्वर्ग पर धावा या चिट्ठियों की राजनीति, भोजपुर, चुनावी हिंसा, इस तरह की जो किताबें हैं उन लोगों ने इन दोनों मिलकर के कॉम्बिनेशन में अच्छा प्रयास किया है। देखिए इसमें 2 लेवल पर कमी हुई, एक तो हमारे पास बहुत प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूट नहीं है जो कि उनको सैंक्शन करे, जैसे अभी बाबू जगीवन राम शोध संस्थान है वो अच्छा काम कर रहे हैं, श्रीकांत जी डायरेक्टर हैं फॉर्मर जर्नलिस्ट, तो उन्होंने पिछले कुछ सालों में अच्छा काम किया है। उस तरह के संस्थान की जरूरत है जहां की आप फेलोशिप दे सकते हैं, आप यंग राइटर्स को, एक्सपीरियंस राइटर को आप बुला करके आप उनको सब्जेक्ट दीजिए, टॉपिक दीजिए,
हमारे पास अच्छा अभिलेखागार है, विधानसभा की लाइब्रेरी है, तो एक सिस्टम होगा। और दूसरा है इंडिविजुअल एफर्ट, तो कहीं ना कहीं वो दोष मैं अपनी बिरादरी को दूंगा कि हमारे जो प्रेडेसेसर्स हुए वो उन्होंने क्यों नहीं लिखा, अच्छे बहुत अच्छे लोग हुए, हमारे इंडियन एक्सप्रेस के ही अरुण श्रीवास्तव सर हुए, अरुण सिन्हा सर हुए, अरुण सिन्हा सर ने बाद में लिखा, जब बिहार छोड़ के गए तब लिखा, उन्होंने अपने पीरियड को डॉक्यूमेंट क्यों नहीं किया। जो जिस आदमी ने भागलपुर ब्लाइंडिंग राइट्स के सच को लिखा, इतना इंटरनेशनली उस न्यूज को पढ़ा गया, उसकी अभी तक चर्चा होती है, तो वो अपने पीरियड को डॉक्यूमेंट करते तो मेरे लिए तो मिसिंग गैप नहीं होता ना। और ही बहुत सारे हिंदी में जर्नलिस्ट हुए, अभी मैं सुरेंद्र किशोर एक लिविंग लीजेंड माने जाते हैं, उनको बराबर मैं शिकायत करता हूँ कि सर आप कब लिखेंगे, तो उनका बहुत सारा ड्राफ्ट तैयार है लेकिन फिर भी बहुत सारा समय ले रहे हैं। तो हमारी बिरादरी को थोड़ा सा अपना पीरियड डॉक्यूमेंट करने की कोशिश की करनी चाहिए। और अभी भी जो लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, कन्हैया बिहारी सर के लोग हैं जो कि एक अभिनव अंदाज में चीजों को प्रेजेंट करते हैं, तो वो भी प्रयास करें तो अपने पीरियड को रिकॉल करेंगे तो बहुत सारी बातें अभी भी आ सकती है। तो थोड़ा सा इसमें एक जो हमें शुरुआत में जो आपने पूछा, दीवानापन की जरूरत तो है, तो या फिर मेथड की जरूरत है। कुछ लोगों में तो थोड़ा सा मेथड की कमी है, कुछ लोगों को लगता है कि किताब लिखना एक डिफिकल्ट प्रोसेस है, जो कि है भी, लेकिन एक बार आप अगर आप ठान लीजिए, जैसे मैंने कहा कि अगर आप इसको रिपोर्टिंग असाइनमेंट मानेंगे तो आसानी से हो जाएगा, अगर आप किताब मानेंगे तो कभी नहीं। चलिए कुछ नहीं, तो मैं आशा करता हूँ कि हमारे जो युवा पत्रकार हैं वो आपको सुन के थोड़ा प्रेरित हो कि अगर वो सोच रहे हैं किताब लिखने का इस समय पे। जरूर, तो जरूर। शुक्रिया संतोष जी हमारे लिए समय निकालने के लिए। अगर आपको ये इंटरव्यू पसंद आया हो तो संतोष जी की दो किताबें, एक ये है जो हाल ही में आई है फ्रॉम जेपी टू बीजेपी, ये पब्लिश हुई है सेज से, और ये जो पहली किताब है संतोष जी की रूल्ड और मिसरूल्ड, दोनों किताब आपको अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी। तो अगर आपको इंटरव्यू पसंद आया हो तो जरूर किताब ऑर्डर करें और पढ़ें। संतोष जी जैसे और जो सीनियर पत्रकार हैं उन्हें भी थोड़ी प्रेरणा मिलेगी कि और किताबें लिखी जाए। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया संतोष जी हमारे लिए समय निकालने का। थैंक यू, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू।